दोस्तों मंडे नाइट रो में सिंस के नकामोरा ने रिवील कर दिया कि लास्ट वीक उन्होंने सेथ रोलिंस के कानों में क्या कानाफूसी करी थी एंड क्यों सेथ रोलिंस पर अटैक करा था 2 वीक्स अगो ऑन मंडे नाइट रो। तो आज सिंस के नकामोरा रिवील करते हैं कि उन्हें सेथ रोलिंस को 2019 में जो बैक इंजरी हुई थी उसके बारे में पता है कि सेथ रोलिंस की इंजरी अभी तक रिकवर नहीं हुई, वो इंजर्ड बैक के साथ हमेशा से रसल करते हैं एंड सिंस के नकामोरा के उनके लूज पॉइंट का पता है एंड इसीलिए वो सेथ रोलिंस को चैलेंज करते हैं फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड अब पेबैक 2023 में सेथ रोलिंस एंड सिंस के नकामोरा का जो मैच है चैंपियनशिप वो सेट हो चुका है एंड दोस्तों पेबैक में सिंस के नकामोरा माहौल बदल सकते हैं एंड क्या पता सिंस के नकामोरा सेथ रोलिंस को डिफीट करके चैंपियनशिप अपने नाम कर ले, क्योंकि सिंस के नकामोरा को सेथ रोलिंस की बैक इंजरी के बारे में पता है जिसे वो लगातार टारगेट करेंगी एंड कहीं ना कहीं सेथ रोलिंस को ट्रबल में डालकर उन्हें चैंपियनशिप के लिए हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर सकती हैं। वैसे आपके क्या थॉट्स है सेथ रोलिंस एंड नकामोरा की पेबैक मैच पर कमेंट करके बताओ एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।